इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट में ट्रांसफार्मर की डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन को जांचा जाता है। ट्रांसफार्मर के कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग पार्ट्स के बीच वोल्टेज देकर लीकेज करंट को मेजर किया जाता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर टेस्ट वोल्टेज और लीकेज करंट के उपयोग से आयर वैल्यू को प्रत्यक्ष निदर्शित कर सकते हैं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस की परमिसिबल वैल्यू 1 मेगा ओम पर केवी मानी जाती है। अभी हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करने से पहले ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग टर्मिनल्स को सप्लाई लाइन से डिस्कनेक्ट करें। टेस्टिंग लीड्स को आयर टेस्टर के साथ जोड़ें। कनेक्शन करने के पूर्व सेफ्टी हैंड ग्लोव्स को दोनों हाथों में पहनें। एचवी और अर्थ आयर टेस्ट करने के लिए पॉजिटिव टर्मिनल को एचवी वाइंडिंग टर्मिनल से जोड़ें, नेगेटिव टर्मिनल को अर्थ से जोड़ें। कायर टर्मिनल को एलवी वाइंडिंग टर्मिनल से जोड़ें। आयर टेस्टर वोल्टेज को 2.5 केवी पर सेट करें और टेस्ट बटन दबाएं। आयर टेस्टर को 1 मिनट के लिए रीडिंग लेने दें। रीडिंग लेने के उत्तरार्थ टेस्ट बटन को दबाएं और आयर टेस्टर के वोल्टेज नॉब को ऑफ करें। डिस्चार्ज रोड को अर्थिंग कनेक्शन दें। एचवी वाइंडिंग टर्मिनल को डिस्चार्ज करें। एलवी और अर्थ आयर टेस्ट करने के लिए पॉजिटिव टर्मिनल को एलवी वाइंडिंग टर्मिनल से जोड़ें, नेगेटिव टर्मिनल को अर्थ से जोड़ें, कायर टर्मिनल को एचवी वाइंडिंग टर्मिनल से जोड़ें। आयर टेस्टर वोल्टेज को 2.5 केवी पर सेट करें और टेस्ट बटन दबाएं। आयर टेस्टर को 1 मिनट के लिए रीडिंग लेने दें। रीडिंग लेने के उत्तरार्थ टेस्ट बटन को दबाएं और आयर टेस्टर के वोल्टेज नॉब को ऑफ करें। डिस्चार्ज रोड को अर्थिंग कनेक्शन दे। एलवी वाइंडिंग टर्मिनल को डिस्चार्ज करें। एचवी और एलवी आयर टेस्ट करने के लिए पॉजिटिव टर्मिनल को एचवी वाइंडिंग टर्मिनल से जोड़ें, नेगेटिव टर्मिनल को एलवी से जोड़ें, कायर टर्मिनल को अर्थ से जोड़ें। आयर टेस्टर वोल्टेज को 2.5 केवी पर सेट करें और टेस्ट बटन दबाएं। आयर टेस्टर को 1 मिनट के लिए रीडिंग लेने दें। रीडिंग लेने के उत्तरार्थ टेस्ट बटन को दबाएं और आयर टेस्टर के वोल्टेज नॉब को ऑफ करें। डिस्चार्ज रोड को अर्थिंग कनेक्शन दे। एचवी वाइंडिंग टर्मिनल को डिस्चार्ज करें। आयर टेस्टर के टर्मिनल्स को ध्यान से निकालें।